पिछली बार सलमान खान ने अभिजीत बिचुकले को डांट तो लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देवलीना भट्टाचार्य जी को इस बारे में ज्यादा फटकार लगाई थी कि आप अगर अभिजीत से अनकंफर्टेबल हैं, तो ये आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनसे दूरी बनाएं, जितनी अभिजीत की इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपसे दूर रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी गाज गिरने वाली है अभिजीत बिचुकले पर। आप सभी को बता दूं कि सलमान खान जोरों शोरों से डांट लगाते नजर आने वाले हैं अभिजीत बिचुकले को। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सलमान खान ने साफ साफ धमकी दे डाली है अभिजीत बिचुकले को कि अब अगर उनसे जरा भी चूक हुई या जरा भी गलती हुई तो सीधा सीधा सलमान खुद घर के अंदर आएंगे और अभिजीत के बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्या हुआ है, डिटेल में आपको बताती हूँ। प्रोमो रिलीज किया गया, इस प्रोमो में सलमान अभिजीत पर वार करते नजर आ रहे हैं। सलमान अभिजीत से कहते हैं कि जिस तरह की गंदी गंदी गालियां, आपको जरा सा रिकैप में बता देती हूँ कि सलमान किन गालियों की बात कर रहे हैं। देवलीना भट्टाचार्य जी और अभिजीत बिचुकले के बीच जब फाइट हुई, देवलीना ने कई सारी चीजें कही, लेकिन सामने से अभिजीत ने टास्क के दौरान बहुत ही गंदी गंदी बातें कही, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही जो वो कई वक्त से कहते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उनका डिक्शन का प्रॉब्लम है, ये कहकर उन्हें माफ कर दिया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए सलमान खान मेकर्स के बताने के बाद जो भी सारी इंसिडेंट सलमान को बताई गई उस पर एक्शन लेते हुए सलमान गुस्से में कहते नजर आते हैं कि जो गालियां आप दे रहे हो, अगर वही सेम गालियां आपके परिवार के बारे में कोई कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जिसके बाद साफ तौर पर आपको बता दूं कि बिचुकले जो है वो डरे हुए तो नजर आए ही, लेकिन सलमान ने ये कहा कि अगली बार ऐसा दोबारा होता है अगर तो मैं सीधा सीधा घर के अंदर आऊंगा और घर के अंदर आने के बाद बाल खींच के तुझे बाहर निकालूंगा। और उसके तुरंत बाद ही अभिजीत जो है वो एटीट्यूड में कहते नजर आए, अब मैं बात करूं अगर आपका हो गया तो। इसके बाद सलमान भड़क गए और सलमान ने कहा कि तू बोल ही मत कुछ। उसी के साथ साथ सलमान को इतना गुस्सा आ गया कि सलमान ने बिचुकले को गाली तक दे डाली। सो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ही ज्यादा इस बार वीकेंड कवार पर स्पाइसी होने वाली है। आपको कितना है इंतजार, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।